वर्तमान में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक अवसर प्रदान करने के लिए समाज को खुले मन से आगे आने की जरूरत है। महिलाओं को स्वयं के जीवन के संचालन की स्वतंत्रता मिलने पर वे और तेजी से विकास की उड़ान भर सकेंगे। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत अंशुल गुप्ता, मिथिलेश मिश्रा, राकेश शर्मा, सिया चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक भारती जाट उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामुदायिक भवन में रंगारंग मंचीय कार्यक्रमों का आयोजन, अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में विभिन्न दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में नगर के उभरती संगीत प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कलाकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी SK गढ़पाले द्वारा तबला वादन मुंबई में संगीत की दुनिया में स्थान बनाने वाले तथा 24 जनवरी 2021 को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले कैजोन बॉक्स, तबला, ढोलक, हारमोनियम वादक एवं गायक कलाकार वेद प्रकाश देव प्रकाश श्रीवास्तव, गायन गायक जीशान सिद्दीकी तथा ढोलक वादन कृष्ण कुमार मिश्रा शामिल रहे। नौरोजाबाद की टीम ने नाटक की प्रस्तुति दी। बालिकाओं द्वारा नारी सम्मान की रक्षा हेतु समाज से अपेक्षा विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, साहित्य एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास विभाग, नगर पालिका शिक्षा विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजीव गुप्ता, दिव्या गुप्ता, मोहन सिंह एवं उनके स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही। आप अपनी गलतफहमियों को दूर करिए कि भारत पुरुष प्रधान देश रहा है। प्रारंभ से ही जब हम वैदिक काल में देखते हैं तो वैदिक काल में ही लिखा हुआ है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की हमेशा वंदना होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, अर्थात और जहाँ नारियों को निरादर के भाव से देखा जाता है वहाँ विपत्तियाँ बहुत सारी जो है वो समाज में आती हैं। तो जब पहले से ही जो है वो यहाँ पर वैदिक काल से ही लिखा हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष के लिए जो है वो सौभाग्य सूचक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे जो वीरांगनाएं थीं उन लोगों को मैं सच सच नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो सबसे पहले अपने मातृभूमि के लिए प्राण निछावर किए। अब वर्तमान की बात कहें महिला सशक्तिकरण के उसमें या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उसमें, तो इसके मनाने का क्या वो होना चाहिए। तो सबसे पहले कहें कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण में देखें तो चारों तरफ से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में उनको बराबर सम्मान मिले और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करें, और इसी के कारण मतलब इन्हीं सारे क्षेत्रों में कार्य करने से जो उनको सम्मान मिले और हर जगह उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। क्योंकि हम देखें प्राचीन काल की बताओ तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उन्हें देवी स्वरूप पूजा जाता था और जहाँ पे नारी नहीं होती थी वहाँ पे कहा जाता है वेद पुराणों में कि देवता वास नहीं करते, अर्थात वो बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता, और जहाँ नारी होती हैं वहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ पे हर क्षेत्र में वर्चस्व बना रहता है, अर्थात देवता निवास। सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में इस संबंध में कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो अगले 2-3 दिन चलते रहेंगे। इसी श्रृंखला में यहाँ आज महिलाओं का सम्मान समारोह, साथ में महिलाओं की तरफ से कुछ प्रोग्राम रखे गए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है और जो यहाँ जिन महिलाओं ने कुछ अर्जित किया है उनका सम्मान किया जाएगा। एक IIT की बालिका भी है जो हमारे यहाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। मेरा सभी को यही मैसेज है कि महिला सशक्तिकरण का जो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब प्रत्येक महिला शिक्षा के गलियारे से और आर्थिक गलियारे से होकर जाएगी। आर्थिक गलियारा तभी वो क्रॉस कर पाएगी जब वो शैक्षणिक रूप से सशक्त होगी। इसके लिए केवल वो महिला ही जिम्मेदार नहीं है, उनको सशक्त करने के लिए, उनको शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए उनका परिवार, हमारा समाज, हम सब जिम्मेदार हैं। इसकी शुरुआत उस खुद महिला को करनी होगी, उस बच्ची को करनी होगी, उस छात्रा को करनी होगी,